नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, चेहरे पे और बदन पे कई जगह पे वार्ट्स, मोल्स ये आते हैं, परंतु कुछ लोगों में चेहरे पे और उससे भी ज्यादा पलकों के ऊपर नीचे बहुत ज्यादा वार्ट्स मोल्स आते हैं। कभी कभी 50-50 वार्ट्स रहते हैं, उसमें से कुछ बढ़ते जाते हैं, कुछ लटकना लगते हैं और दिखने में वो बहुत खराब लगता है। इससे वैसी कोई तकलीफ नहीं होती है, परंतु दिखने में बहुत खराब लगता है, फेस क्लीन नहीं लगता है और कभी कभी ऊपर के आईलिड पे अगर वॉट्स है और वो लटकने लगे हैं तो वो दिखने में बाधा आ सकती है। आज की केस इसी प्रकार की है। उनके राइट साइड को अपर आईलिड के कॉर्नर में एक ग्रोथ है, वॉर्ट है, तो वो कठिन है निकालने में, बट हमने लेजर्स के द्वारा निकाली है। देखिए इस फोटो में आंख के कॉर्नर में नाक के नीचे एक रेड सर्कल किया है, उसके अंदर दिखाई देता है कि वॉट किस प्रकार का है और वो ऊपर की पलक खोलते समय, बंद करते समय बीच में आता है, अटका हुआ है, ऐसा महसूस होता है। तो ये लोकल एनेस्थीसिया के अंडर निकालने वाले हैं। मैग्निफिकेशन इस्तेमाल करके उसमें इंजेक्शन दिया जाएगा और साइड में जो आप देखते हैं कि आँख पूरा ढका हुआ है शील्ड से, तो लेजर का कोई भी धोखा नहीं है। ये बारीक इंजेक्शन दे रहे हैं जिससे वो पॉइंट नम हो जाएगा। स्किन में झुर्रियां होने के कारण इंजेक्शन जरा फैलता है तो थोड़ा देर रुकना पड़ता है। काला रंग का जो वॉट दिखाई दे रहा है, ये 5 मिनट रुकने के बाद वो एरिया सारा नम हो जाता है। इसको पूरा क्लीन करके और थोड़ा एनेस्थीसिया देने के बाद ये CO2 लेजर है वो इस्तेमाल किया गया। उसको एक हैंडपीस रहता है, उसके थ्रू एनर्जी बाहर आती है और वो इस वॉट को कट करेगी, जला देगी और वहां कोई बाद में निशान नहीं दिखाई देगा। कोई भी टाके लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि CO2 लेजर से ब्लीडर्स बंद हो जाते हैं। देखिए वॉट चला गया है और ये जख्म 1-2 हफ्ते में पूरी भर जाएगी। आजू बाजू का आँख नॉर्मल है, कुछ धोखा हुआ नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।